गाइस कमेंट करके बताना भाई कि कैसा लग रहा है हिंदू का स्टिकर यहाँ पे। ओके गाइस फाइनली हमें वो लोग मिल चुके हैं जिनका बहुत बेसर्विस से इंतजार था आप लोगों का। इसका चेहरा इतना काला हो गया ना गांव में रह के, काम करो ऐसा सुने आता। इस ब्लॉग में अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए बट क्या पता हम कुछ इससे अच्छा अपग्रेड ला दें। सो हे गाइस कैसे हो आप लोग, होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से घर से, और कई टाइम बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई। और फिलहाल आज डेट है 24 फरवरी, और आज आ रही है मेगा दी, वो भी इतने दिनों बाद। कसम से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मेगा दी से मिलने के लिए। मैं उससे भाई कब मिली थी, मुझे 1.5 महीना हो गया भाई जब से मैं उससे मिला नहीं हूँ। तो मेगा दी से मिलने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। मेगा दी निकल गई थी गाँव से, तो वो जीजू के साथ आई थी न्यू टिहरी तक, तो वहाँ से बस में बैठा दिया जीजू ने। और गाइस अभी जा रहा हूँ मैं रॉबिन का कंबल देने भाई। ये कंबल लेके आया था हम काफ़ी टाइम पहले, जीजू लोग साथ में थे ना, तो उस टाइम तो कंबल चल रहा था क्योंकि रॉबिन जीजू और सोम जीजू चार थे हम एक रूम में, तो बिस्तर की कमी हो गई थी इसलिए मैंने रॉबिन के रूम से भी कंबल उठा दिया था। और भाई पहले के ब्लॉग में देखा हो आपने, यहाँ पे हमने हिंदू लिखवाया था बट वो मैंने रिमूव कर दिया ना, हटा दिया क्योंकि जो सीएम ने था ना वो टेढ़ा लगा दिया था। स्टिकर हम पे पड़े थे तो सीएम जा रहा है अभी घर पे, तो जल्दी जल्दी स्टिकर लेके आते हैं फिर दिखाते हैं भाई कहाँ पे लगाएंगे। तो भाई हमारा हिंदू का स्टिकर आ चुका है और हमने डिसाइड किया हम लगाएंगे यहाँ पे, देखते हैं भाई कैसा लगता है। तो भाई ये रहा हमारा हिंदू का स्टिकर। अब भाई लग रही स्कूटी एकदम दनादन मस्त। तो गाइस कमेंट करके बताना भाई कि कैसा लग रहा है हिंदू का स्टिकर यहाँ पे। ऐसे मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ से बेटर ऐसा यहाँ पे लग रहा है। मेरे को सबने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आगे पे लगाना, सीएम ने भी बोला, रॉबिन ने भी बोला, हिमांशु ने भी बोला कि मैंने सबसे पूछा था ना, तो मैंने भी डिसाइड किया कि वहीं पर ज़्यादा अच्छा लगेगा और वहीं पर लगा दिया। पहुंच चुके हैं रॉबिन के रूम पे, और भाई रॉबिन का घर हम रिवील नहीं करा सकते क्योंकि बड़े बड़े लोगों के घर है भाई, फैन फॉलोइंग ज़्यादा है ना हमारे भाई की। और अभी ये घर पे नहीं है, अभी आ रहा था हिमांशु। और भाई रॉबिन भाई का घर है ऐसे बगानों में, ये बगीचा है, किस चीज़ का पेड़ है भाई ये, बस यही शब्द बोल सकते हो भाई तुम, गाली के अलावा कुछ नहीं दे सकते। लाइट खोल भाई जल्दी, अभी पूछा क्यों। ये अपने भाई का रूम है, ये बढ़िया करके गद्दे गुद्दे बिछाए रहते हैं हमने, ऐसा 3-4 लड़के पड़े रहते हैं, और जो सोफे में बैठना आता है भाई सोफे में बैठ सकते हैं बढ़िया करके। ये रॉबिन भाई ने ला रखा है 199 का तौलिया, बटे कभी नहाता नहीं तो इसका कोई काम ही नहीं है इस रूम पे। ओके गाइस मेगा दी आ गए रिस्पना पुल में, और मैं जा रहा हूँ मेगा दी को लेने भाई, बहुत टाइम बाद मेगा दी को मिलने जा रहा हूँ भाई, देखते भाई क्या रिएक्शन आता है मेगा दी के। ओके गाइस फाइनली हमें वो लोग मिल चुके हैं जिनका बहुत बेसर्विस से इंतजार था आप लोगों का, और आज वो हमारे साथ प्रेम में है, तो फाइनली गाइस हमारे साथ है मेगा दी। और ये ना भयंकर गाली हो गई भाई, इसका चेहरा इतना काला हो गया ना गांव में रह के, काम करो ऐसा सुने आता। अरे गांव का पानी लग गया भाई भाई, बट कोई नहीं अब यहाँ आ गई ना देहरादून का पानी पी के एक गोली हो जाएगी। फिलहाल इसको ले जाते रूम में, काफ़ी लंबा सफर है ना, तो मेरे हिसाब से ये होगी ना, तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते ऐसा ना हो गई। मैं यहाँ ब्लॉग कर रहा हूँ, मेगा जी गाली दे रही थी मन में, मेगा जी को देते हैं गोप्रो, से घर पे जाके कंटिन्यू करते हैं, पूछते भाई कैसे कैसा लगा ऐसे गाँव में, ठीक है। ओके भाई फाइनली हम आ चुके हैं रूम पे, और रूम की हालात देख के मेगा जी बोल रही थी कि इसने पोछा पूछा मार रखा है, ऐसी मैं आई भाई इसने सफाई कर रखी, बट मेगा जी को नहीं पता, नहीं हम रोज़ सफाई कर देते, वो ब्लॉग नहीं बनाया बट कैसे लग रही सफाई यहाँ की पहले बता। पोछा तो मारेगी ना भाई, जब से मेगा दी नहीं आई थी ना यहाँ, सफाई सफाई तो छोड़ो भाई, यहाँ खाना तक नहीं अच्छे से टाइम से नहीं बनता था, बट अब मेगा दी आ गई, अब खाने की तो नो टेंशन है, अब बढ़िया करके दिन का खाना मिलेगा, रात का खाना मिलेगा और सुबह का खाना मिलेगा। और गाइस मेगा दी के लिए लेके आ रखे हम चाउमीन, मेगा दी आई ना आज तो गाँव में, इसको ये सब मिलता नहीं था खाने को, खाना नहीं खाया तो फिर भी गाँव में कहाँ मिलता था चाउमीन है, मैं कैसा लग रहा था फिर गांव में, और बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को यहाँ अजीब सा लग रहा। वो बेटे क्या भाई इस पे
ये निकला घरियालोन रसगुल्ले का डिब्बा भाई, ये इसकी जरूरत है बहुत मस्त चीज़ है। मम्मी ने भेज रखी बिस्किट्स। मुझे पता है जब भी मैं देहरादून में रहता हूँ और कोई मेरे यहाँ से गांव को जाता है तो मम्मी हमेशा भेजती है, सासू जी भी भेजती है। और जैसे मेगा दी आई, मुझे पता है मेगा दी आई होगी खुश हो गई कि भाई देहरादून में रहूँगी मजे करूँगी, बट नहीं जीजू ने भाई निपटाने वाली है ना। बट मैं कह रहा था जीजू ने पहले से मेगा दी के लिए प्रिपेयर कर रखा है, जितने भी कपड़े इस बक्से में है ना सारे धोने मेगा दी ने, तो मेगा दी आलस तो कहीं आना ही नहीं चाहिए। अब मेरे भी धोएगी, जीजू को भी धोएगी, बिस्तर भी बाहर डालेगी, ठीक है। हाँ ये बात भी है। ये देखो मैंने बक्से का ताला तोड़ रखा है और कुछ बिस्तर तो मैंने पहले भी बाहर डाल दिए थे क्योंकि मेगा दी आई और यहाँ घर पे सफाई ना होता ऐसा बोल नहीं सकता। A few moments later. तो गाइस रात के बज गए 8:30 और भाई अभी तक मेगा दी काम निपटा रही है। भाई अभी तक इसने बक्सा जितना भी था सारी सफाई इसकी कर दी है, ताला मैंने तोड़ दिया था और थोड़ा बहुत सामान दिख रहा है, इधर भी थोड़ा बहुत ताम जाम दिख रहा है। यहाँ के हाल भी बहुत बेहाल हो रखे हैं, इस रूम के क्या बोलना है। इस रूम पे तो भाई लाइट क्यों ऑफ होगी इसकी। भाई मुझे ऐसे फ़ोन पे पकड़ के ना ऐसे फिर बंद, मैं ऐसे फ़ोन में ऐसे फ्लैश लाइट करके ना ये गोप्रो से वीडियो शूट करनी पड़ती है, इसलिए मुझे अब गोप्रो पसंद नहीं आ रहा वीडियो व्लॉगिंग करने के लिए ना। तो देखते हैं भाई कुछ टाइम बाद, इस व्लॉग में अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए बट क्या पता हम कुछ इससे अच्छा अपग्रेड ला दें। देखो गाइज अरविंद ने इतनी गंदगी मचा रखी है, बहुत ज़्यादा, इनका बक्सा देखो मैंने सारा साफ कर दिया, वो सारे कपड़े धोने के लिए। सारी आर्मी के थे ना धोने के लिए भी देखो। अच्छा दो है धोने के लिए और सारा साफ। दो गिन तो कितने हैं वो, कितना है वो? एक दो तीन चार, इससे ज़्यादा तो मेरे हैं। कितने भाई मेरे बहुत ज़्यादा धोने के हैं, सारी कर लेते जिसको पता है उसे पता है। अपनी शादी भी हो जाएगी ना, अपने लिए तो लड़की ढूंढ रही कि मैंने बढ़िया करके, बस वही है एक जॉब का लोचा है। जॉब भाई जॉब लगी कैसे नहीं आएंगे भाई, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे लाइफ में, पैसे पूसे कमाएंगे तो सब आएंगे मान लिया। हमारा खाना रेडी है और भाई कब से मेगा दी के हाथ का खाना नहीं खाया था कसम से, मतलब महीने गुजर गए थे रॉबिन साथ में, तो वो बस चावल बनाता था और कुछ खाने को मिलता नहीं था, चावल खाना, चावल के साथ भाई सब्जी खिलाता था मुझे, मैगी खिलाता था, बट उसकी भी कोई गलती नहीं है, अब उसको भी आदत पड़ गई ना, वो तो अकेला रहता है मैं नहीं रहता था, अब सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। और फिलहाल अभी हम खाना खा रहे हैं, इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर। Oh, my God.